So Igor Stimac will meet the AIFF officials on 2nd of October. क्या ये बात सच है कि AIFF और Igor Stimac अब official negotiations अपनी start कर चुके हैं for the contract extension and क्या इस पे Igor Stimac का say हो सकता है and क्या इस मीटिंग के रिजल्ट्स आउटकम हमारे को देखने को मिल सकते हैं. ए गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बारी आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब. सो 2nd ऑफ अक्टूबर को ये शुभजीत मजूमदार जो कि आनंद बाजार पत्रिका के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने एड्रेस करा है अपने ट्वीट में कि 2nd ऑफ अक्टूबर सुबह 10:30 बजे मंडे को Igor Stimac will meet the AIFF officials and इसमें काफ़ी सारी बातें हो सकती हैं जो Igor Stimac की तरफ से भी रखी जाएंगी एंड AIFF की तरफ से भी रखी जाएगी. अगर मैं बात करूं Igor Stimac की तो Igor Stimac की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में कितनी सैलरी उनको AIFF दे रही है क्योंकि न्यूज़ ये भी सर्कुलेट हो रही है कि AIFF अब जो अगला कॉन्ट्रैक्ट देगी अब 2 साल का AIFF Igor Stimac को उसमें थोड़ी उनकी जो पे है उनकी जो वेजेस है वो भी थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज करेगी उसमें कॉन्ट्रैक्ट की जो लेंथ है क्योंकि 2 साल की हम सबको पता है तो जो वेजेस है वो भी और ज़्यादा देंगे अब Igor Stimac को जिसके बाद हो सकता है कि Igor Stimac अपनी ये सारी शर्तें भी रखें AIFF के आगे कि उनको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए 2 से 3 हफ्ते चाहिए एंड AFC एशियन कप के लिए उनको मिनिमम 4 हफ्ते चाहिए हैं. तो काफ़ी नेगोशिएशंस हमारे को उम्मीद है कि रिपोर्ट हुआ है हमारे को कि 10:30 बजे सुबह मीटिंग स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि एक दिन में ये मीटिंग ना खत्म हो. हो सकता है इसके आउटकम्स जो हमारे को मीटिंग के हैं वो देखने को मिले आफ्टर 3-4 डेज हमारे को पता चले कि क्या रिजल्ट निकला है उस मीटिंग से. बट ऑफिशियली दे आर इन नेगोशिएशंस एंड दे आर इन टॉक्स कि कैसे अब इंडियन फुटबॉल को आगे लेके चलना है क्योंकि आने वाले 2-3 साल इंडियन फुटबॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी ऑल नो दैट कि Igor Stimac को फुल बैकिंग चाहिए फ्रॉम AIFF एंड ये उनका अपमोस्ट टारगेट रहेगा इस मीटिंग का कि मेरे को ये एश्योर करे AIFF के मेरे को वो बैकिंग पिछली बारी से और ज़्यादा देंगे या नहीं देंगे. क्योंकि एक जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है इस मीटिंग का वो Igor Stimac का यही है कि मेरे को बैकिंग ज़्यादा मिले तभी मैं अपनी टीम के प्रति और ज़्यादा सिंसियरली वर्क कर पाऊँगा अपनी ड्यूटीज़ में और अच्छे से निभा पाऊँगा एंड इस टीम के साथ आगे मैं चल पाऊँगा. क्योंकि आने वाले जो हमारे 1 साल है 6 महीने अगर मैं बात करूँ अगले 6 महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मर्डेगा कप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जिसमें हमारे को कुवैत एंड कतर को फेस करना है एंड देन मच अवेटेड AFC एशियन कप. तो अगले 6 महीने एक तरीके से डू और डाई है फॉर Igor Stimac एज वेल एंड इसके लिए वो पूरी जोर लगाएंगे AIFF को मनाने के लिए कि ये अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए मेरे को बैकिंग चाहिए फुल ऑन. मैं पिछले 4 साल में जो भी काम करके आया वो निकल गया है वो पास्ट था बट अगले 6 महीने इंडियन फुटबॉल को टोटली चेंज कर सकते हैं क्योंकि अगर हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अपसेट करा लाइक अगेंस्ट द टीम्स ऑफ कुवैत एंड कतर तो वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा हमारे लिए फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सिनेरियो. हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हों या ना हों वो एक अलग बात होगी बट अगर हमने कतर एंड कुवैत को हरा दिया इन टीम्स को तो काफ़ी ज़्यादा वो ऑडियंस जनरेट भी करेगा तो काफ़ी उससे फ़ायदा होगा इंडियन फुटबॉल को. एंड अगर हमने AFC एशियन कप में अपसेट्स कर दिए अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ उज़्बेकिस्तान सीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया तो फिर वो और ज़्यादा इंटरेस्ट गेन होगा इंडियन फुटबॉल में लोगों का. तो अगले 6 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही क्रूशियल है जिसके लिए AIFF एंड Igor Stimac ऑफिशियली बातचीत करना शुरू हो गए हैं. वेल लेट्स सी कि Igor Stimac को और ज़्यादा बैकिंग मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी. डू लेट मी नो योर कॉमेंट्स ऑन दिस टॉपिक कि Igor Stimac की ज़्यादा सुनी जाएगी इस मीटिंग में या AIFF के नीचे ही दब के काम करना पड़ेगा Igor Stimac को आने वाले 6 महीनों में भी. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो यही थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. टिल देन